और 8 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर आ जाता है। लेक्सस इधर आने का मतलब ये है कि मकसद ये है, ये गाड़ी की वैल्यू कम नहीं होती, गाड़ी की वैल्यू बढ़ती है। 13 से 14 करोड़ रुपए की ये शेप है। अभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं, ऑटो चैनल वन पे अपनी गाड़ी पुरानी लाएं, लाखों लगाएं, करोड़ों की गाड़ी बन जाएगी। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल वन से फैजान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे गाड़ियों का रिव्यू करते हैं, गाड़ी का मतलब पकड़ते हैं, रिव्यू करते हैं गाड़ी का पेंट प्रोसेस, डेंटिंग प्रोसेस, मैं क्यों ना आज ऑटो चैनल वन का एक रिव्यू किया जाए कि ऑटो चैनल वन पे क्या क्या वर्क ऑफ हो रहा है, कौन कौन सी गाड़ी आई है। आए आपको आज ऑटो चैनल वन का विजिट करवाते हैं। जैसे ही ऑटो चैनल वन में एंटर हुए हैं तो रहमान भाई की खिदमत हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, क्या हाल है? रहमान भाई की खिदमत हासिल करेंगे कि गाड़ी का क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट लगे हुए हैं ऑटो चैनल वन पे। आए शुरू करते हैं, इस गाड़ी से नहीं शुरू करेंगे, अभी ये गाड़ी डिलीवर टाइम पे, अभी इसकी फाइनली वीडियो भी बनाएंगे, कस्टमर रिव्यू भी लेंगे। अभी शुरू करेंगे इस कोने से कि गाड़ियों का कौन कौन सा प्रोजेक्ट लगा हुआ है रहमान भाई के पास और क्या क्या इधर ऑटो चैनल वन पे हो रहा है। रहमान भाई बताई जाइए हमें, ये गाड़ी कहाँ से आई है? जरा ये इस्लामाबाद से आई है, ये गाड़ी लेक्सस जो है ये आई है साहिवाल से। सही है, ये गाड़ियाँ इंशाल्लाह ऐसी तैयार करेंगे, पूरे पाकिस्तान में ये चैलेंज होगा कि ऐसी गाड़ी कोई किसी ने तैयार नहीं की होगी। ये दो गाड़ियाँ हमने ऐसी बनानी है जो एक नई ट्रेंड होगा, एक नई चीज़ पाकिस्तान में लॉन्च होगी जो कभी किसी ने अभी तक नहीं किया। अभी बताना नहीं चाहेंगे सर क्या बनाएंगे? अभी नहीं, जब पूरा बना के दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाना चाहेंगे। ऑटो चैनल वन पे मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी ऐसी ऐसी गाड़ी ले आए हैं फेस अप लिफ्ट के लिए। सर ये लेक्सस बड़ी डिमांड वाली गाड़ी है रहमान भाई, मैं देख रहा हूँ दोनों लेक्सस खड़े हैं। जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग काम मार्केट में और भी कर रहे हैं, लेकिन ये लेक्सस भी अब फेस अप लिफ्ट के लिए आपके पास आना शुरू हो गया। सब जब गाड़ी फेस अप लिफ्ट होती है, ये देखिए है तो लेक्सस बड़ी अच्छी गाड़ी मैं है। थोड़ी आपकी बात काट दो रहमान भाई, इससे गाड़ी इसका आप इस गाड़ी लेक्सस इधर आने का मतलब ये है कि मकसद ये है, ये गाड़ी की वैल्यू कम नहीं होती, गाड़ी की वैल्यू बढ़ती है फेस अप के बाद। जाहरी बात है ये बड़ी पुरानी 20-25 साल पुरानी गाड़ी चली हुई है, अब जो शेप बनी है वो बिल्कुल लेटेस्ट शेप देनी है, जो अभी किसी ने देखी नहीं होगी इंशाल्लाह ऐसी शेप देंगे जो भी किसी ने देखी नहीं है मार्केट में। इन दोनों गाड़ियों को वो शेप देनी है, सही है। तो जब देंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पूरी दुनिया यानी कि ये ईद पे सरप्राइज होगा हमारी आवाम के लिए। ये दोनों गाड़ियां सेम बननी है, सेम बननी है। ये गाड़ियां आ चुकी हैं ऑटो चैनल वन पे, अभी इनका सामान परचेज किया जाएगा, काफी लंबा प्रोसेस होता है, बड़ी मेहनत होती है ऑटो चैनल वन की टीम की। जैसे रहमान भाई का डिपार्टमेंट रहमान भाई देखते हैं, मेरा डिपार्टमेंट मैं देखता हूँ, नवीद भाई हैं, जैद भाई हैं, और ऑटो चैनल वन की टीम का एक एक बच्चा मेहनत करता है आपकी गाड़ी पे। ऐसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे अगले प्रोजेक्ट पे बात करेंगे रहमान भाई से कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन से शहर से गाड़ी आई है और भाई जान क्या उस गाड़ी का काम हो रहा है। आइए रहमान भाई से पूछेंगे ये प्रोजेक्ट कहाँ से आया और कहाँ से ये गाड़ी आई और इस गाड़ी का क्या क्या काम हो चुका है अभी तक। ये गुजरात से आई गाड़ी, ये गुजरात से आई गाड़ी, करेंगे फेस अप लिफ्ट। सही है, 2022 मॉडल में। सही है, प्राडो, जैसे ऑलरेडी पहले भी हमारी प्राडो चल रही है। सही है, ये सेम उसी तरह ही होगी, इसकी साइडें बन रही हैं, फ्रंट से बैक से साइड इसकी न्यू शेप दे रहे हैं हम। सही है, मतलब रहमान भाई कई गाड़ियाँ तो होती हैं फ्रंट एंड बैक से ही बनती हैं, ये गाड़ी पूरी मुकम्मल तैयार होगी यार? ये पूरी मुकम्मल तैयार होगी, काफी हद तक ये डेंटिंग डिपार्टमेंट काफी कंप्लीट हो चुका है, डेंटिंग प्रोसेस तो काफी मैं देख रहा हूँ इसका कंप्लीट हो चुका है गाड़ी का, अभी पेंट प्रोसेस भी आएगी गाड़ी है। जी जी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये पेंट प्रोसेस में होगी और फिर ये तैयारी पे आएगी गाड़ी, अभी ये डेंटिंग प्रोसेस पे है। सही है, मतलब अभी अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो साथ एक और गाड़ी तैयार हो रही है, वो बड़ी कमाल मुझे नज़र आ रही है रहमान भाई के साथ, उस गाड़ी की भी थोड़ी बात करेंगे, वो गाड़ी का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, ये गाड़ी किस शहर से है। रहमान भाई ये जो गाड़ी बना रहे हैं आप ये शेप की, इसमें जापान से गाड़ी इम्पोर्ट की जाए तो वो कितने की गाड़ी है मार्केट में? जो जापान में इसकी जो जेन्युइन शेप आ रही है ना वो तकरीबन 13 से 14 करोड़ रुपये के लगभग ये शेप पहुँच गई हुई है, तो 13 से 14 करोड़ रुपए की ये शेप है। सही है, और 8 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर आ जाता है, और ये गाड़ी इतनी महंगी हो गई है, और हम जो तैयार करते हैं ना वो तकरीबन करोड़ों में तो नहीं, खैर लाखों में ये गाड़ी पूरी तैयार करते हैं हम, LC 100 को LC 300 में। मतलब आप कुछ अभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं, ऑटो चैनल वन पे अपनी गाड़ी पुरानी लाएं, लाखों लगाएं, करोड़ों की गाड़ी बन जाएगी। ऐसे ही ऐसे ही है, ऐसे ही है। अभी थोड़ा सा इसका बताना चाहेंगे इस गाड़ी का क्या क्या काम हो रहा है, साइड प्रोफाइल भी तैयार हो चुका है इसका, अंदर से इंटीरियर भी करना है इस गाड़ी का। फ्रंट से ये पूरी फ्रंट शो तैयार हो चुकी है, साइड पे आए साइडें इसकी तैयार हो चुकी हैं, साइड प्रोफाइल पूरी तैयार हो चुकी है, ये भी तकरीबन डेंटिंग डिपार्टमेंट का थोड़ा सा काम रह गया, तो ये भी गाड़ी अगले वीक में इंशाल्लाह पेंट प्रोसेस पे चले जाएगी। पीछे से आए, पीछे से दिखा दें,
बैक से भी अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो बैक से भी ऑलमोस्ट गाड़ी तैयार हो चुकी है, गाड़ी डेंटिंग प्रोसेस से आगे गुजर चुकी है, अभी ये पेंट प्रोसेस पे आ जाएगी गाड़ी। लेकिन ये डेंटिंग में थोड़ा सा मैं रिमान भाई से पूछूंगा, मार्केट में गया ये जनरल पिलर ही छोड़ देते हैं, वैसे ही चला देते हैं, ये छोटी सी टेक्निकली चीज़ें हैं जो आप भी किसी अदारे पर भी गाड़ी दें आप पहले चेक करें इस अदारे को। रिमान भाई इसके बारे में बताएं ये पिलर क्यों काटा जा रहा है? ये पिलर काट के इसकी बिल्कुल शेप जैसी बनानी होती है, बिल्कुल LC 300 की जैसे शेप है ना, सेम वैसी शेप बनेगी, इसलिए ये काट के ना इसको LC 300 की शेप दी जाती है। सही है, लेकिन रहमान भाई थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, मार्केट में इसको काटते भी नहीं है लेकिन वो 19-20 चल जाता है, लेकिन आप मेहनत करते हैं इस गाड़ी पे, थोड़ी मेकिंग करते हैं। वो 19-20 चलने की बात नहीं है, 19-20 चलाना है तो फिर वो फायदा नहीं है इतने पैसे लगाने का, काम वो जो पूरा प्रॉपर हो, 19-20 वाला कोई चक्कर नहीं है, पूरा प्रॉपर काम करें वही उसी चीज का मजा है। 19-20 वाला का मतलब पूरा प्रॉपर काम करना, ऑटो चैनल वाले ने अगर पैसे लिए हैं तो उसकी गाड़ी के ऊपर भी लगाने हैं पूरा पूरा इंशाल्लाह ऐसे ही काम। आइए नेक्स्ट गाड़ी पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या चल रहा है ऑटो चैनल वन पे, उस पर भी बात करेंगे रहमान भाई से, उससे पूछेंगे किस शहर से गाड़ी है और गाड़ी का काम किस प्रोसेस तक पहुँच चुका है। अभी ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं, लैंड क्रूजर ये फेस अपलिफ्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, पेंट प्रोसेस भी इस पर काफी हो चुका है, रहमान भाई से बात करेंगे किस शहर से गाड़ी है और गाड़ी का काम कहाँ तक हो चुका है, मान भाई बताइए। गुजरात से गाड़ी आई है, इसका भी डेंटिंग से कंप्लीट हो गई है, पेंट पे आ गई है, पेंट का भी काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़े बहुत काम रह गए हैं, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक में इसकी तैयारी हो जानी है पूरी। सही है, नेक्स्ट वीक में ये गाड़ी पेंट प्रोसेस से आगे जो गुजर जाएगी। जी जी, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये पूरी गाड़ी तैयार हो जाएगी। सही है रहमान भाई, ये साइड पैनल तो लग चुके हैं नए मॉडल वाले, जैसे ZX में हम वीडियो में अपनी में दिखाते भी हैं, अभी ये नीचे इख्तिशाम भाई ये क्या कर रहे हैं इस गाड़ी का? सर ये इसके सारी जो नीचे क्लम्स होते हैं ना वो पूरा वेल्डिंग करके इसको पूरा टाइट किया जाता है ताकि जितने मर्जी इस पे वो बंदे चढ़ जाए, यानी कि कोई मसला नहीं है, इसको है। पूरे मजबूत होते हैं ये। सही है, मतलब इसकी मजबूती का ख्याल किया जा रहा है, अभी के पैनल के ऊपर 10 बंदे भी खड़े हो तो ये पैनल नीचे नहीं जाएगा, पैनल नीचे नहीं आएगा, मतलब ये भी ऑल्टरेशन है लेकिन ये टेक्निकली ये की जाती है, की जाती है ताकि वो ये ना हो गई पैनल इतना मजबूत ना हो, एक बंदा चढ़े और पैनल नीचे गिर जाए। सही है, उसका तो फिर अभी ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट बिल्कुल रहमान भाई का बिल्कुल साथ ही है, ये गाड़ी तो इन्होंने पहले ही बनाई हुई है, ये गाड़ी कुछ छोटे मोटे कामों के लिए आई है, ये रहमान भाई फैसलाबाद से गाड़ी आई थी। जी जी, ये आई थिंक फैसलाबाद से है गाड़ी। सही है, इसके कोई छोटे मोटे कोई फिनिशिंग के काम है, कोई काफी तकरीबन इस गाड़ी को तैयार किए हुए कोई 2 साल मेरा ख्याल है, 2 साल के ऑलमोस्ट होने वाले या हो गए हैं। सही है, तो छोटे मोटे काम है इसके, कोई फिनिशिंग के हैं, कोई साइड से लग गई थी थोड़ी गाड़ी, मतलब ऑटो चैनल वन की टीम की मेहनत और क्वालिटी काम की इस गाड़ी पे मुझे नजर आ रही है कि 2 साल बाद भी ये गाड़ी आई है और पूरी लाइनो लाइन पे है गाड़ी, कोई बम्पर नहीं इसका हिला, कोई लाइट नहीं इसकी हिली, अपनी जगह पे है गाड़ी, छोटी छोटी मेंटेनेंस तो ऑल्टरेशन की गाड़ी में निकलती है, 2 साल बाद अगर गाड़ी आपको लानी भी पड़े एक बार प्रोसेस के लिए तो नॉट इशू, कोई मसला नहीं होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जेन्युइन कंपनी की गाड़ियों में आप गाड़ी शोरूम से लेकर निकलते हैं तो उसमें भी इतने टेक्निकली फॉल्ट आ जाते हैं। मैंने लास्ट मंथ अभी एक होंडा लिया, अभी मैं शोरूम से बाइक निकाली तो उसमें बहुत बड़ा एक इशू था, मैं बताना नहीं चाहूँगा, होंडा भी एक कंपनी है काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 साल बाद भी अगर ऑटो चैनल वन अदारे पे आपको गाड़ी के लिए छोटी मेकिंग के लिए आना पड़े तो मैं नहीं समझता कोई मतलब इसमें कोई बुरी बात है, काम है गाड़ी चलती का काम निकलता है तो कोई इशू नहीं है, ये गाड़ी इनका काम का एक सबूत है। अभी ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं रहमान भाई से, इस पर बात करेंगे, गाड़ी बिल्कुल फाइनली तैयार खड़ी है, कस्टमर भी इधर है, थोड़ी उनसे भी बात करेंगे। रहमान भाई ये गाड़ी कहाँ से और क्या क्या काम किया जा रहा है इसका? भाई ये गाड़ी है मंडी बावलदीन से। सही है, ये पूरी तैयारी पे आ चुकी हुई है गाड़ी, आज डिलीवर होनी है इंशाल्लाह, थोड़ी देर बाद ये डिलीवर हो जानी है, ये पूरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है गाड़ी, पूरी फिनिशिंग में अपनी आ चुकी हुई है गाड़ी। इसका पूरा फेस अपलिफ्ट किया रहमान भाई या कोई और काम किया? इसका फेस अपलिफ्ट इन्होंने पहले किसी अदर अदारे से करवाया हुआ था, हमने इसकी साइडें बनाई हैं और जो पहले काम नहीं सही हुआ था उसको पूरा परफेक्ट काम किया हमने। बड़ी यूनिक चीज़ नज़र आ रही है जो पाकिस्तान में मैं पहली गाड़ी पे देख रहा हूँ, उसके बारे में आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, उसकी ये चीज़ है ये स्पॉइलर। हाँ ये स्पॉइलर है बिल्कुल जो लेटेस्ट प्राडो चल रही है नहीं, उसका स्पॉइलर इसको लगाया है और माशाल्लाह इस पर मेहनत काफ़ी नज़र आ रही है रहमान भाई आपकी टीम की। जी ये आपने पहले किसी ओल्ड मॉडल की प्राडो में ये स्पॉइलर नहीं देखा होगा। सही है, जो ये देख रहे हैं ये 2005 ही गाड़ी है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे 2018 की गाड़ी शोरूम से प्लेटफॉर्म आगे खड़ी है। 2005 ही गाड़ी है, इस गाड़ी की वीडियो शायद हमने पहले दी हुई है, ये जिस तरह पहले तैयार हुई थी सैफ भाई ने रिव्यू किया था लास्ट टाइम, सैफ भाई ने रिव्यू किया था, ये देखने के काबिल नहीं थी गाड़ी, इतनी गंदी यानी कि ना फेस अपलिफ्ट हुई थी, लेकिन अब ये गाड़ी देखें साइड प्रोफाइल से फ्रंट से बैक से हर जगह से पूरे एंगल से अपनी जगह पे आ गई हुई है गाड़ी। सही है, अब माशाल्लाह मेहनत नजर आ रही है यार इस गाड़ी की और अल्हम्दुलिल्लाह पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है,
अभी कस्टमर रिव्यू भी करेंगे इसका फाइनली, और जैसे आज आपको ऑटो चैनल वन का पूरा एक शोरूम का अदारे का एक विजिट कराया, ये विजिट अभी एक छोटी सी झलकी है। झलकी इसलिए कि इससे ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी वेयरहाउस में खड़ी हैं। रहमान भाई ये ऐसी बातें नहीं बताते कैमरे पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और वेयरहाउस का भी कभी आपको ज़रूर विज़िट करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान फैज़ान अली को, रहमान भाई को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये जो नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस पर रहमान भाई से वीडियो करेंगे, जैसे इनके सामान आएंगे उस पर बात करेंगे, जैसे गाड़ी टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह ऑलमोस्ट रहमान भाई आज कल में गाड़ियाँ खुलेंगी जी, ये दोनों जी जी, ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये गाड़ियाँ खोल देंगे और ये तैयार पूरी गाड़ियाँ दिखाएंगे इंशाल्लाह ईद पे। ईद पे हमारा एक सरप्राइज होगा अपने व्यूअर्स के लिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ियाँ तैयार होने वाली है। ले दी अपने मेज़बान को, फैजान अली को, रहमान भाई को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू अल्लाह। थैंक यू सर रहमान भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर।